नमस्कार, इंडिया खबर लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं निशा और अब खबरें विस्तार से। लोकसभा की मजबूती के लिए शत प्रतिशत मतदान जरूरी माना जाता है, लेकिन ग्वालियर चंबल अंचल में मतदान प्रतिशत देश और प्रदेश के औसत से हमेशा कम रहता है। यही वजह है कि इस बार मतदान बढ़ाने के लिए जिला निर्वाचन द्वारा जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। इस बार करीब 2 लाख नए वोटर लोकसभा के लिए पहली बार मतदान करेंगे। दरअसल ग्वालियर चंबल अंचल में मतदान प्रतिशत कम रहता है। 2018 के विधानसभा चुनाव में जहां प्रदेश में औसतन 75% वोटिंग हुई थी, वहीं ग्वालियर ज़िले में 64% मतदान हुआ था, मतलब 36% लोग मतदान करने नहीं पहुंचे थे। ज़िले में 9,50,000 लोगों ने वोट डाले थे, जबकि करीब 5,37,000 लोगों ने अपने मताधिकार का उपयोग ही नहीं किया। यही वजह है कि जिला निर्वाचन विभाग नए वोटरों से मतदान कराने के साथ ही परिवारों को भी जागरूक करने की कोशिश में जुटा है। नए वोटर भी मानते हैं कि वोटिंग डेमोंस्ट्रेशन में उन्होंने वोट डालना और वोटिंग के दौरान होने वाली प्रक्रिया को समझा है। पहली बार वोट डालने का उत्साह भी छात्रों में नजर आया। विधानसभा चुनाव में ग्वालियर को वोटिंग परसेंटेज राज्य के औसत मतदान से 11% कम रहा था, जो प्रशासन के लिए चिंता का सबब बना हुआ है। ऐसे में लोकसभा में मतदान बढ़ाने के लिए निर्वाचन विभाग युवाओं को जोड़ने की कवायद में जुटा है। हाँ, इस बार हम लोग ने 5 अपने हमारे जो मेजर सेक्शन हैं, एक हो गया 18 से 19 वर्ष का जो नया मतदाता है, वो अपने जिले में 36,055 हैं। अपने जिले में 4,000 के आसपास सर्विस वोटर्स हैं। अपने ज़िले में दिव्यांग मतदाता 8,000 दिव्यांग मतदाता हैं। हमारे ज़िले में महिला मतदाता, आपने देखा भी होगा 2014 का जो लोकसभा इलेक्शन था, उसमें पुरुष और महिला मतदाताओं के बीच में 10% का जेंडर गैप था, लेकिन विधानसभा में वो कम होकर 2.8% रह गया है। हमारा पिछली बार का लोकसभा का वोटिंग परसेंटेज अराउंड 51% था, अब जो विधानसभा का करीब 64% के आसपास है। तो हम उम्मीद करते हैं कि हमने जैसे 13% जंप किया है इस बार के लोकसभा में भी, हम लोग जो प्रॉपर कैनिंग जो कैनवसिंग और पूरी अवधि के दौरान जो ये हमारा स्वीप की एक्टिविटीज चल रही हैं, उसके अंतर्गत हम लोग अच्छी वोटिंग करा पाएंगे। 14 अप्रैल को अम्बेडकर जयंती पर पुलिस इस बार कड़े सुरक्षा प्रबंध तो रखेगी ही, साथ ही जिला प्रशासन ने पूर्व के वर्षों से होते चले आ रहे कार्यक्रमों को छोड़कर अन्य किसी नए कार्यक्रम के लिए मंजूरी नहीं दी है। और अगर लोगों द्वारा अम्बेडकर जयंती पर शांति, सद्भाव और भाईचारे को बिगाड़ने का प्रयास किया गया तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी का कहना है कि आदर्श आचार संहिता और जिले में कानून व्यवस्था की बेहतरी के लिए यह आदेश दिया गया है। उसको लेकर उसमें जो परंपरागत रूप से जो चीज़ें चली आ रही थी उसको लेकर हम अनुमति देंगे, और उस संबंध में SPs को और SDMs को और SDOPs को पर्याप्त दिशा निर्देश भी दिया जा चुके हैं। कुछ लोगों का कहना है कि परमिशन नहीं दे रहा है, प्रशासन नहीं देना चाह रहा, उसको क्या लग रहा है? जो भी परंपरागत रूप से जो चले आ रहे थे समारोह थे, उन सबके हम अनुमति दे देंगे। रामनवमी के उपलक्ष्य में ग्वालियर के पाठनकर बाजार स्थित श्री राम मंदिर से इस बार भी रथ यात्रा का आयोजन किया गया, जो कि पाठनकर बाजार से शुरू होकर महाराज बाड़ा स्थित श्री राम पैलेस पहुंची, जहां श्री राम भक्तों द्वारा भगवान श्री राम की सामूहिक आरती कर पूजन किया गया और प्रसादी का वितरण किया गया। रथ यात्रा में वृंदावन के कलाकारों द्वारा झांकियां भी निकाली गई और मार्ग में 1100 फूलों से स्वागत द्वार भी बनाए गए। आज श्री भगवान श्री राम की रामनवमी उत्सव पूरे शहर में बड़े धूमधाम से बनाया गया। उसके अंतर्गत श्री राम भगवान श्री राम रथ यात्रा समिति द्वारा शहर में एक विशाल रूप से श्री राम रथ यात्रा का कार्यक्रम रखा गया। ये राम रथ यात्रा राम मंदिर चौराहे से पाटंगा बाजार चौराया दौलतगंज महाराज बाड़ा होते हुए श्री राम पैलेस पहुंची। इसमें सभी श्रद्धालुओं ने हजारों की संख्या में भाग लिया। जगह जगह प्रतिष्ठित दुकानदारों ने भगवान श्री राम की आरती उतारी, पुष्पमालाओं से स्वागत किया। इस राम रथ यात्रा में प्रमुख जो केंद्र बिंदु रहा, इसमें भगवान श्री राम के रथ को लोगों द्वारा साफ सुथरी और सड़क करके निकाला गया, साथ में उसके साथ फूलों की बरसात रथ के आगे करते हुए सभी भक्तगण चल रहे थे, जो एक ऐतिहासिक और एक अच्छा कार्यक्रम सभी को
शहरवासियों को लगा, जिसकी सभी ने सराहना की। SUCI के केंद्रीय कमेटी के सदस्य एवं मध्य प्रदेश राज्य सचिव कामरेड प्रताप सामल शनिवार को ग्वालियर पहुंचे और यहां प्रेस क्लब पर पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि SUCI देश के 20 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में 119 उम्मीदवार खड़े कर रही है। मध्य प्रदेश में भोपाल, गुना और ग्वालियर के पार्टी चुनाव लड़ रही है और यहां वर्तमान केंद्र सरकार को घेरने का कार्य किया जाएगा। उन्होंने कहा कि देश में अमीरी और गरीबी की खाई बढ़ रही है। देश की 73% संपदा 10% हाथों में पहुंच गई है और किसान आत्महत्या कर रही है। मध्य प्रदेश से हम 3 उम्मीदवार लिए हैं, ग्वालियर से कमरेड सुनील गोपाल, गुना से कमरेड मनीष श्रीवास्तव और भोपाल से कमरेड जेसी बराइए। ये तीनों ही जन आंदोलन से जुड़े हुए हैं, पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता हैं, सामाजिक आंदोलन में एक लंबे समय से ये रहे हैं। ये तीनों उम्मीदवार हम दिए हैं। पूरे देश भर में हमने 119 जगह में कैंडिडेट दिए हैं, 20 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेशों से टोटल 119 जगह में हमारे कैंडिडेट हैं। प्रदेश की जिला सहकारी बैंक द्वारा 1993 से लेकर 2003 तक डेवलपमेंट रूरल इंडस्ट्रियल प्लानिंग योजना यानी कि ड्रिप योजना में दिए गए लोन राशि की रिकवरी न होने व योजना के तहत फर्जी तरीके से लोन लेने वाले लोगों पर पुलिस द्वारा अभी तक लोगों की गिरफ्तारी न होने के चलते हाईकोर्ट द्वारा इस बार नाराजगी जाहिर की गई है, जिसके चलते ग्वालियर रेंज के IG द्वारा इंदरगंज थाना क्षेत्र के रामबा कॉलोनी में रहने वाले किशन सिंह यादव पर गिरफ्तारी वारंट जारी करते हुए 30,000 रुपये का इनाम घोषित किया है। दरअसल इंदरगंज थाना क्षेत्र के रामबाग कॉलोनी में रहने वाला किशन सिंह यादव द्वारा जिला सहकारी बैंक की डीरवाना ओली शाखा से ड्रिप योजना में फर्जी तरीके से लोन लिया था। वहीं इस मामले का खुलासा 2005 में हुआ, इसके चलते इस पूरे मामले की विवेचना EOW को सौंपी गई। इसमें ये बात सामने निकल कर आई कि ड्रिप लोन योजना के तहत 2,60,00,000 की राशि का घपला हुआ है, जिसमें से एक मुख्य आरोपी किशन सिंह यादव भी है। EOW द्वारा अपनी जांच रिपोर्ट संबंधित थाना पुलिस को सौंप दी गई। बहरहाल हाईकोर्ट के आदेश पर अब पुलिस द्वारा आरोपी पर इनाम घोषित किया गया है। वहीं आरोपी किशन सिंह यादव को पकड़ना अब पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती बन गई है। थाना कोतवाली ग्वालियर में सन 2005 में अपराध क्रमांक 309/15 105 420 467 468 IPC की 120B IPC की धाराओं में एक प्रकरण दर्ज हुआ था, जिसमें जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित ग्वालियर से 49 लोगों के द्वारा कुल 2,60,00,000 रुपए का लोन लिया गया था, जिसके संबंध में धोखाधड़ी के संबंध में इस कोतवाली में प्रकरण दर्ज हुआ था और जिनकी मतलब रिकवरी नहीं हो पाने के कारण मुकदमा दर्ज हुआ, जिसकी विवेचना EOW ग्वालियर द्वारा की गई और इसमें लगभग सभी आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी थी, परंतु एक आरोपी जो था जिसका नाम था किशन सिंह यादव, सन ऑफ राम अवतार सिंह यादव, निवासी रामबाग कॉलोनी जो शिंदिक छावनी में आता है वहाँ का रहने वाला था, उसने अपना पता ये दिया था। तो घटना दिनांक से ही इस व्यक्ति के बारे में अभी तक कोई पता नहीं चला है। न्यायालय से कई बार सेशन कोर्ट से भी, जिला एवं सत्र न्यायालय से भी इसके खिलाफ गिरफ्तारी में स्थायी वारंट जारी किए गए, परंतु इसके संबंध में कोई जानकारी प्राप्त नहीं। फिर हाईकोर्ट से भी इसके संबंध में स्थायी वारंट जारी हुआ, लेकिन आज तक इस व्यक्ति के बारे में कुछ पता नहीं चला। इसके स्वाभाविक है, इस तरह के लोग कहीं भी किसी भी प्रकार से लोग ठगी की वारदात कर सकते हैं, इसलिए इस व्यक्ति का पकड़ा जाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। पंजाब के अमृतसर में हुए जलियावाला हत्याकांड की 100वीं बरसी पर पंजाबी परिषद द्वारा तानसर नगर स्थित सहयोग गार्डन में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जहां इस हत्याकांड में शहीद हुए सभी भारतीय वासियों को याद कर अंग्रेज सरकार द्वारा किए गए इस दुष्कृत्य की निंदा की गई। इसके साथ ही यहाँ पंजाबी समाज के 10 लोगों का सम्मान हुआ और वैशाखी पर्व भी मनाया गया। ये कार्यक्रम है यादें जलिया जलिया वाले हत्याकांड को, आज 100 वर्ष पूरे हुए हैं, उसके जो लोग शहीद हुए थे उनको श्रद्धांजलि दी जाएगी और उसके बाद बैसाखी पर्व मनाया जाएगा और रामनवमी के लिए श्री राम जन्म का भी उत्सव है। कितने लोग हैं यहाँ आज?
करीब 300 सम्मान, करीब 10 लोगों का सम्मान है, 10 से 15 लोगों का, और 300 लोगों की करीब उपस्थिति होना है। भिंड जिले की गोहद तहसील में स्थित मंगलम वेयर हाउस को लेकर हाई कोर्ट में दायर याचिका को न्यायालय ने षड्यंत्र मानते हुए पेटिशन पर 50,000 रुपए की कास्ट लगाई है। साथ ही हाई कोर्ट ने भिंड के कलेक्टर और एसपी को निर्देशित किया है कि वह इस मामले में यूको बैंक के मैनेजर और याचिकाकर्ता की भूमिका की गहनता से पड़ताल करें। मामला दरअसल गोहद तहसील में मंगलम वेयरहाउस का है। वेयरहाउस का संचालक अरुण शर्मा है, जो पिछले कुछ दिनों से गायब है। कई लोगों का माल वेयरहाउस में रखा हुआ है, जिसमें किसान और व्यापारियों का करोड़ों का माल है। अरुण शर्मा के गायब होते ही वहां माल को लेकर व्यापारियों और किसानों ने हंगामा कर दिया था, जिसके चलते भिंड जिला प्रशासन को वेयर हाउस को सील करना पड़ा। इस बीच गिरिराज बीज भंडार के संचालक संजय शर्मा ने हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल की, जिसमें कहा गया कि वेयर हाउस में उसका लाखों का माल रखा हुआ है, जो सील्ड होने के कारण खराब हो जाएगा और वो यूको बैंक से लिए गए 50 लाख के लोन को चुकाने में असमर्थ होगा, इसलिए उसका माल वेयर हाउस से निकलवाया जाए। खास बात यह है कि यूको बैंक के मैनेजर ने भी भिंड कलेक्टर को पत्र लिखा, जिसमें उक्त व्यापारी का माल निकलवाने का निवेदन किया गया। इस बीच हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान पता चला कि संजय शर्मा और अरुण शर्मा आपस में जीजा साले हैं और एक षड्यंत्र के तहत उन्होंने इस तरह की कोशिश की है। खास बात यह है कि यूको बैंक कलेक्टर के यहाँ निवेदन करने के साथ ही हाईकोर्ट में भी स्वतः पेश हो गया, जबकि हाईकोर्ट से उसे नोटिस भी जारी नहीं हुए थे। कोर्ट के सामने ये तथ्य जैसे ही आए, कोर्ट ने इस मामले की गहनता से जांच के निर्देश भिंड के कलेक्टर और एसपी को दिए हैं, जिसमें याचिकाकर्ता संजय शर्मा और तत्कालीन यूको बैंक के मैनेजर की संलिप्तता की बात कही गई है। हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता शर्मा पर 50,000 का अर्थदंड भी लगाया है। ये जिला भिंड गोहद का मामला है। वहाँ एक मंगलम वेयरहाउस है, उसके ओनर संजय शर्मा थे, तो वो किसानों का और व्यापारियों का माल खरीद कर और फरार हो गए। तो वो माल जो उन्होंने संरक्षित कर रखा था, वो अपने वेयरहाउस मंगलम वेयरहाउस में कर रखा था। और ये जो याचिकाकर्ता गिरिराज बीज भंडार जो थे, उनका माल भी उसी वेयरहाउस में था, तो उन्होंने ये पिटीशन लगाई थी कि चूँकि वो मंगलम वेयरहाउस सीज था, तो उसको खुलवाया जाए और हमारा माल निकलवाया जाए, ताकि उनका 50 लाख का लोन भी था यूको बैंक से, तो ताकि हम, उनका कहना था कि ये माल निकल जाए, रिलीज हो जाए, तो हम अपना लोन चुकता करें। तो ये पिटीशन लगाई थी। माननीय न्यायालय ने अपना संज्ञान लिया इस पिटीशन पर और यूको बैंक के मैनेजर को भी तलब किया और कुछ लेटर्स का अवलोकन भी किया, तो ये पाया कि जो मंगलम वेयरहाउस के जो ओनर थे और जो वर्तमान याचिकाकर्ता थे, ये दोनों जिया साले का रिश्ता था और बिना लोन चुकाए यूको बैंक के मैनेजर ने एक लेटर भी लिख दिया कलेक्टर भिंड को कि उनका माल रिलीज करे ताकि बैंक का लोन चुकता किया हो सके। ग्वालियर के माधोगंज थाना इलाके के गुड़ागुड़ी का नाका में रहने वाली एक विवाहिता ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। बताया गया है कि यहां शंकर चौक के पास रहने वाली महिला पूनम गोस्वामी का पति धर्मेंद्र गोस्वामी एम्बुलेंस चालक है और करीबन उनकी 8 साल पहले शादी हुई थी, जिसके बाद उनका एक 3 साल का बच्चा भी है। महिला ने फांसी क्यों लगाई, अभी इस बात का खुलासा नहीं हो सका है। पुलिस मामले की विवेचना कर रही है। भाभी ने फांसी लगाई पूनम गोस्वामी ने, और घर पर कोई नहीं था, क्योंकि एक दिन पहले उनके पिताजी और उनके भैया, हम सब लोग साथ में घर थे, खाना खाया, सुबह पिताजी गए और 12 बजे तक मैं निकला हूँ घर से, मैं गाड़ी चलाता हूँ एम्बुलेंस, और उसके बाद में शाम को फ़ोन आया भतीजी का कि इन्हें फांसी लगा ली है। क्या नाम है इनके पति का? इनके पति का धर्मेंद्र गोस्वामी। क्या करते हैं? वो भी एम्बुलेंस चलाते हैं, वो भी मरे नहीं थे उस टाइम पे। कितनी उम्र थी? भाभी की होगी 24, 25, 26 साल। कल देर शाम को सूचना थाने पे आई थी कि गुड़ा न्यू पाएगा जो शीतला विहार कॉलोनी के पास में है, वहाँ एक महिला ने फांसी लगा ली है। तो मौके पर स्टाफ पहुँचा था, मैं पहुँचा था, उसके बाद वहाँ पर जाके देखा तो कमरे में जो छत में कुंदा लगा था पंखे का, उससे महिला लटकी हुई थी फांसी से। तो उसने जो नीचे प्लास्टिक की कुर्सियाँ, उसके ऊपर कपड़े रख करके और उससे चढ़ करके फांसी लगाई थी।
उसके जो परिजन थे उन्होंने बताया था कि कमरा अंदर से बंद था, जब उसको आवाज़ दी तो नहीं खोला, तो फिर धक्का दे करके गेट खोला गया था। फिर जब पता किया तो महिला नव्यवाहिता में आती है, चूँकि उसकी उम्र 30 साल से कम है, 25 साल की उम्र है। आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो यानी EOW ने छात्रवृत्ति घोटाले में 8 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की है। ग्वालियर चंबल संभाग में फैले छात्रवृत्ति घोटाले के रैकेट में यह 8वीं FIR है। दरअसल भिंड के गोरमी के रामनाथ सिंह शिक्षा प्रसार समिति द्वारा रामनाथ सिंह होम्योपैथिक कॉलेज और रामनाथ सिंह कॉलेज ऑफ फार्मेसी का संचालन किया जाता है, लेकिन सरकार की ओर से अनुसूचित जाति जनजाति और पिछड़ा वर्ग के छात्रों को दी जाने वाली छात्रवृत्ति हड़पने के लिए कॉलेज संचालकों ने अपने अधिकारियों कर्मचारियों और नोडल एजेंसी को साथ मिलाकर फर्जी छात्रों के नाम पर लाखों का घोटाला कर लिया। इनमें छात्रवृत्ति लेने के लिए एक ही छात्र को एक ही अवधि में 2 अलग अलग संकाय में प्रवेश दिखाकर उनकी स्कॉलरशिप हड़प ली। फिलहाल 50 छात्रों की जांच में ही 5 लाख का घोटाला सामने आया है, जबकि यह दोनों कॉलेज 1986 से 2010 तक इसी तरह की गतिविधियों में लिप्त रहे हैं, ऐसा गोपनीय शिकायत में कहा गया है। गोपनीय शिकायत के आधार पर EOW ने इस मामले की जांच शुरू की थी। लंबे अरसे तक जांच के बाद EOW ने पाया कि कॉलेज संचालक समिति अध्यक्ष सचिव पदाधिकारी तत्कालीन प्राचार्य क्लर्क और नोडल एजेंसी की प्राचार्य इंदु श्रीवास्तव इस घोटाले में शामिल रही हैं। अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग की मिलीभगत से भी इनकार नहीं किया गया है, इसलिए EOW का कहना है कि आगे होने वाली जांच में कुछ और आरोपी बढ़ाए जा सकते हैं। जिन लोगों के खिलाफ FIR हुई है उनमें नरेंद्र सिंह सेंगर, जयराम पटेल, राम बहादुर सिंह भदौरिया, रामनाथ सिंह शिक्षा प्रसार समिति के संचालक गण अध्यक्ष और दूसरे कर्मचारी शामिल हैं। ये रामनाथ सिंह होम्योपैथिक कॉलेज गोलमी, उनके खिलाफ शिकायत प्राप्त हुई थी कॉलेज के खिलाफ कि यहाँ पे जो है ऐसे छात्रों 2-2 संकाय में 3-3 संकाय में एक ही बच्चे का एडमिशन करा के और विभिन्न छात्रवृत्ति हर आम छात्रवृत्ति लेके और छात्रवृत्ति का घोटाले टाइप से उसका दुरुपयोग किया गया है, जो शासकीय संपत्ति का दुरुपयोग उसमें पाया गया। प्रथम दृष्टया उसकी जांच में बहुत से ऐसे लड़के पाए गए जो विभिन्न संकाय में एडमिशन किए हुए थे, दिए हुए थे। एक संकाय में एडमिशन होना चाहिए जो कि 2-3 संकाय में उसका एडमिशन हुआ था। इस प्रारंभिक जांच उसके पाए जाने पर इसमें FIR दर्ज की गई है। कॉलेज संचालक, उसके प्राचार्य, सचिव, संचालक गण के खिलाफ अपराध दर्ज किया गया। सर, में ये अनुसूचित जाति कल्याण निश्चित रूप से जो नोडल एजेंसी है, नोडल अधिकारी है और प्लस जो इंदु श्रीवास्तव नोडल अधिकारी है प्राचार्य शासकीय महाविद्यालय महगांव, उनका और आगे विवेचना में देखा जाएगा कि क्या इनका रोल था, जो आयोग का क्या रोल था उसमें, तो उसको उसके हिसाब से देखा देख के तब तो कार्रवाई की जाएगी। महावीर जयंती महोत्सव समिति एवं अखिल जैन समाज ग्वालियर के संयुक्त तत्वाधान में मेडिटेशन गुरु विहसंत सागर महाराज के सानिध्य में शनिवार को नई सड़क स्थित चंपा बाग धर्मशाला में श्री 1008 भगवान महावीर विधान महाअर्चना आयोजित की गई, जिसमें बड़ी संख्या में जैन समाज के लोग भगवान का अभिषेक और पूजन अर्चना करने पहुँचे। महावीर जयंती समिति की ओर से 13 तारीख को आज भगवान महावीर स्वामी के जन्म कल्याण के अवसर पर आज महावीर विधान का आयोजन नई सड़क पे मुनि श्री बिशंत सागर जी के सानिध्य में किया गया, जिसमें जैन समाज के काफ़ी लोगों ने पूजा अर्चना एवं भगवान महावीर स्वामी का अभिषेक किया गया। इसके उपरांत सभी ने भगवान को अर्घ समर्पित किए। साथ ही कल 14 अप्रैल को गोपाचल पर शाम 5 बजे से एक विशाल जैन मेले का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें उसमें कई सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं मुनि श्री बिशंत सागर जी के सानिध्य में प्रवचन कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। और आप हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया खबर लाइव। नमस्कार।